मीशो 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 हर जगह भाई आजकल मीशो मीशो ही चल रहा है। तो सप्लायर अगर आप मीशो पे बनना चाहते हैं, सेलर बनना चाहते हैं अगर मीशो पे, सो जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे, शॉपक्लूज, पेटीएम, बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं, ऑब्वियसली मीशो भी है, और अभी के टाइम में ट्रेंड में है मीशो पे। तो यार बेस्ट टाइम है अभी मीशो में जाने का, बिंदास चले जाओ। बता रहा हूँ कैसे जाना है, इस वीडियो को फॉलो कर लो और उसके बाद धकाधक सेल करनी शुरू कर दो। बहुत सारी मैंने मीशो पे वीडियो बनाई है, उनको गो थ्रू जरूर कर लेना, नहीं तो फिर दिक्कत भी हो सकती है। तो शुरू करते हैं। मीशो पे जाने के लिए, मीशो पे अकाउंट बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले, देखिए दो तरीके हैं, या तो आप देखिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक से आप ओपन कर लेना। मैं ये पर्सनली सजेस्ट करूंगा क्योंकि मेरा भी थोड़ा बहुत फायदा तो यार हो ही जाएगा उससे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप मीशो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, मीशो आप टाइप करिए यहाँ पे, ठीक है। मीशो सेलर, मीशो सप्लायर, मीशो कुछ भी डालेंगे, मीशो ने इतनी खतरनाक मार्केटिंग कर रखी, पूछो मत, ठीक है। और अगर आप मेरे लिंक से करना चाहते हैं तो यार मैं बता देता हूँ कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लेना। उसके बाद अपने लैपटॉप को थोड़ा इनकॉग्निटो मोड में डाल देना, यहाँ से इनकॉग्निटो मोड, और उसके बाद आपने क्या करना है, जो मेरा लिंक दिया गया है उसको आपने पेस्ट करना है, और यहाँ पे आपने क्लिक करके मीशो सप्लायर पैनल ओपन कर लेना है, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है, जैसे भी करना चाहे। ओके, सो आपने यहाँ पे टाइप किया मीशो, यहाँ पे आपने क्लिक किया सेल ऑन मीशो, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका बिकम अ सप्लायर का ऑप्शन आ गया है। बिकम अ सप्लायर पे क्लिक करेंगे तो सेम वही पेज आएगा जो पेज मेरे लिंक से ओपन हो गया है, देख सकते हैं इस तरीके का पेज आ जाएगा। तो मैं अपने लिंक वाले पे ही चला जाता हूँ क्योंकि आप मेरा फायदा करो ना करो, मैं तो अपना फायदा जरूर करूंगा, ठीक है। ओके, सो अगर आप मीशो से पे अकाउंट बना रहे हैं तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, सीधे आप उस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे आगे की हेल्प भी ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है, बहुत ही सिंपल स्टेप है, बहुत बहुत इससे सिंपल मैंने किसी भी मार्केट प्लेस पे देखा नहीं है। सेल करने के लिए जो ऑप्शन है, सेल करने के फायदे भी बहुत हैं, 0% कमीशन है, पेनल्टीज, जीरो चार्जेस बोल रखा है लेकिन थोड़ा बहुत पेनल्टीज लगती हैं। और उसके बाद अभी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, हर बायर के मोबाइल में मैं ये ऐप देख रहा हूँ, और कमीशन जीरो कर रखा है, आपको पता ही होगा, शिपिंग चार्जेस आपके वहाँ पे लग जाएंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके ही आपने प्राइसिंग वगैरह डिसाइड करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दी गई है, अड़ंग बड़ंग, इनको आप आराम से पढ़ लेना, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है मेरी तरफ, मैं बहुत जल्दी जल्दी में काम करता हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना मोबाइल, देखो आपको बेसिकली सिर्फ दो चीज़ चाहिए मीशो पे सेल करने के लिए, पहले तो एक GST, ठीक है, नहीं है तो बना लो, नहीं भी बनना है तो कांटेक्ट कर लो मेरे को, ठीक है। दूसरा आपको चाहिए बैंक डिटेल, बैंक डिटेल करंट भी चलेगा और सेविंग भी चलेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है करंट अकाउंट नहीं है, अरे सेविंग भी चलेगा, खुलवा लो, आजकल तो ऑनलाइन खुल रहे हैं जीरो बैलेंस में। दो चीज़ें बस बोला मैंने, GST एंड बैंक डिटेल। ये तो यार GST हो ना हो लेकिन बैंक डिटेल तो सबके पास होता है, ठीक है। तो बैंक डिटेल, GST एक चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, नाम, नंबर, ईमेल, पिकअप वगैरह, पिकअप एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह चाहिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन वीडियो को पूरा देख लेना कि गलती ना हो इधर उधर, इसीलिए, ठीक है। सबसे पहले मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, इस वीडियो को मैं थोड़ा तोड़ तोड़ के बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों के लिए तो मैं कंबाइन करके बनाऊंगा, लेकिन एक्चुअली क्या है OTP लेने में थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर हम एंटर कर लेते हैं, मैंने एक शीट में प्रॉपर सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर रखी है। कॉन्टैक्ट नंबर लेके हम सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर आप अपना एंटर कर लीजिए, स्टार्ट सेलिंग पे आप क्लिक यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट सेलिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रीसेंट OTP का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे रीसेंट थोड़ी देर में हो जाएगा लेकिन अभी OTP आ चुका होगा, OTP हम अभी डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मेल आईडी एंटर कर लेते हैं, तब तक मेल आईडी आपकी आप यहाँ पे एंटर करिए, ये आपकी मेल आईडी आ गई। उसके बाद आप एक पासवर्ड सेट कर लीजिए, तब तक हमारा OTP भी आ चुका है, ये है हमारा OTP, OTP हम डाल लेते हैं, ठीक है, OTP भी हमारा आ गया है, पासवर्ड सेट कर लेते हैं। पासवर्ड सेट करने का एक नॉर्मल सा तरीका बता देता हूँ, सबसे पहले आपने अपना एक कैपिटल लेटर में टाइप कर लेना है, बहुत बार एरर भी आ जाता है, एक कैपिटल लेटर टाइप कर लीजिए। उसके बाद आप अपना नाम लिख सकते हैं स्मॉल लेटर में, जैसे मैंने अपना नाम लिख लिया ऋषि। उसके बाद आपको एक एट द रेट जरूर लगा लेना है, आगे पीछे कहीं भी लगा लो लेकिन एक स्पेशल कैरेक्टर जरूर लगा लो, ठीक है। उसके बाद आप अपना एक नंबर भी रख लो, कोई भी नंबर इधर उधर, जैसे मैं 1028 में ये रख लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक पासवर्ड बनाना है जिसमें एक कैपिटल लेटर होगा,
आप अपना नाम लिख लीजिए, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम, अपने घर वालों का नाम, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, @ जरूर लगा लेना, और 1028 या अपना कोई भी एक 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 10 डिजिट का नंबर लिख लीजिए, ठीक है। अगर आपको आई वॉन्ट टू रिसीव इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप, अगर व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, अदरवाइज नहीं भी कर सकते, ठीक है। ये हो गया, OTP हमारा गलत बता रहा है यहाँ पे, तो हम एक बार OTP को रिसेंड कर लेते हैं। लेट्स सी, हम जल्दी से OTP रिसेंड कर लेते हैं, मैंने गलत तो नहीं एंटर किया, कुछ ना कुछ तो OTP में इशू आ रहा है। एक सेकेंड, आपका भी कई बार आ सकता है इस तरीके से, तो आपने रिसेंड कर लेना है, यहाँ से रिसेंड बटन का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से आपने रिसेंड कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए राइट साइड में ऑप्शन भी देख सकते हैं, ग्रो योर बिजनेस फास्टर इन सेलिंग इन मीशो, 4 लाख से ऊपर सप्लायर अभी इस पर हैं, ठीक है, आप 4 लाख में से आप भी एक हो, ठीक है। उसके बाद 27,000 प्लस पिन कोड्स पे अभी डिलीवरी इनकी चल रही है ऑल ओवर इंडिया, 10 करोड़ से ऊपर कस्टमर बाई करते हैं अक्रॉस इंडिया, और 700 से ऊपर कैटेगरी में ये सेल कर रहे हैं, ठीक है। दो चीज़ें मैंने बताया था, GSTN और बैंक अकाउंट यहाँ से चाहिए आपको, ठीक। OTP हम दोबारा एंटर कर लेते हैं, एक बार गलत हो गया था, 02, इस बार आई होप ये एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी फिल हो गई है, क्रिएट अकाउंट क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। क्रिएट अकाउंट करते ही अब देखिए 4 स्टेप आपके सामने हैं, बेसिक डिटेल तो आपने डाली दी थी, अब GST डालनी है, पिकअप एड्रेस डालना है, बैंक डिटेल डालना है, और बूम हो गया आपका काम, ठीक है। लेकिन किस तरीके से डालना है देख लेते हैं। GST नहीं है तो यार GST बनाना पड़ेगा, ये मत सोचना बिना GST का काम चल जाएगा। GST डाल लेते हैं हम अपना, GST भी मैंने कॉपी करके रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया GST, वेरीफाई कर ले। सो अभी GST डिटेल अपनी इस तरीके से आ जाएगी वेरीफाई करने के बाद। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए प्रोडक्ट विल बी पिक्ड अप फ्रॉम दिस लोकेशन, तो आपने अपनी लोकेशन यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे आपने GST ऑलरेडी फिल किया तो उससे स्टेट तो आपका ऑलरेडी आ जाएगा, क्योंकि GST के अंदर ही वो होता है। अगर आप चाहें तो GST रजिस्टर्ड जो एड्रेस है उस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो GST पे जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वही यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं GST रजिस्टर्ड एड्रेस पे ही यहाँ पे मार्क कर दूंगा। आप चाहें तो बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं, नो इशू, अगर शुरू में ये आपका अगर गलत हो गया तो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद अब आपको बैंक डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, तो बैंक डिटेल जल्दी जल्दी हम लोग फिल कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपका मैच नहीं होगा तो ये रेड आ जाएगा। उसके बाद हम IFSC यहाँ से देख लेते हैं, IFSC के अंदर IFSC कोड आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, वेरीफाई बैंक डिटेल पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो वेरीफाई बैंक अकाउंट आपका ऑटोमेटिक वेरीफाइड हो जाएगा, इसमें और कुछ भी नहीं करना। कंटिन्यू करते हैं, GST हम डाल चुके हैं, बैंक डिटेल हम डाल चुके हैं, स्टोर का नाम अपना डाल दीजिए, आप अपने स्टोर का नाम कुछ भी डाल सकते हैं, तो हम इसका नाम डालेंगे सानवी एंटरप्राइजेस, सानवी एंटरप्राइजेस हमने डाला। अपना फुल नेम यहाँ पे डाल सकते हैं, फुल नेम में चेक कर लेता हूँ, दीपक बिष्ट, ठीक है। यहाँ पे अपना एग्री कर लेना है आपने, यहाँ पे स्टोर नेम, और यहाँ पे इस तरीके से आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबमिट कीजिए डिफरेंस स्टोर नेम, ओके। तो जो स्टोर नेम ऑलरेडी ले रखा होगा वो यहाँ पे नहीं, आप उसे नहीं ले सकते, ठीक है। तो आप इसको चेंज करिए, स्टोर नेम को चेंज नहीं करना, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो थोड़ा बहुत हम इसमें चेंज कर सकते हैं। हम इस पे क्या चेंज करें, सानवी एंटरप्राइजेस मीशो, इस तरीके से चेक कर लेते हैं, अगर ये एग्जिस्ट होता है तो, ठीक है, ये आपका एग्जिस्ट हो गया है। इस तरीके का आपके पास मैसेज आ जाएगा, यहाँ पे नो थैंक्स कर लीजिए, स्टार्ट सेलिंग नाउ पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए आपके सामने पोर्टल आ चुका है, जस्ट आपने अब कुछ नहीं करना, मीशो की आपकी आईडी बन चुकी है, आप चाहे तो डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, सानवी एंटरप्राइजेस मीशो करके स्टोर नेम हो गया। आप अपनी डिटेल्स देखना चाहें तो यहाँ से सेटिंग पे आके अपनी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, GST डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और उसके बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप होम पे आएंगे और यहाँ से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना शुरू कर देंगे।
तो ये थी हमारी मीशो। आप चाहे तो प्रॉपर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, बुक ट्रेनिंग ना यहाँ पे करेंगे, और मीशो के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो आपको पूरी पोर्टल की ट्रेनिंग भी दे देंगे। तो इस तरीके से आप मीशो पे सेलिंग शुरू कर सकते हैं। लिस्टिंग कैसे करना है और सेल को बढ़ाना कैसे है, क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है, पॉलिसीज़ क्या, उन सब पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। कोई भी अगर हेल्प की ज़रूरत हो डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा, इस लिंक के थ्रू ओपन किया है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको हेल्प उसमें ज़रूर करूँगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।